तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री है आपकी स्क्रीन पे, स्ट्रेट लाइन जेई मेंस पैकेज। क्वेश्चन में गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम पी एज फ्रॉम क्यू इज। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो आपके पास आंसर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया गया, तो उसका सही आंसर आप पहले से लिख लीजिए। सही आंसर है -1/3, 2। इसमें सही आंसर प्रिंट नहीं हो पाया है, तो पहले आप अपना आंसर करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों ये तो आप सभी लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है पी और क्यू की लाइन ज्वाइनिंग पर जिसकी क्या प्रॉपर्टी हो, दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम पी एज फ्रॉम क्यू इज। इसका मतलब उसकी जो रेशियो है वो, मतलब वो जो पॉइंट है उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे, मान लो वो पॉइंट है M, तो वो लाइन की जो डिस्टेंस है P से और Q से, तो जो उसकी Q से डिस्टेंस है वो Q से डिस्टेंस का जस्ट ट्वाइस उसकी P से डिस्टेंस है। ही तो लिखा है कि दैट इज ट्वाइस एज फॉर एज फ्रॉम P एज फ्रॉम Q, मतलब वो जो M पॉइंट Q से जितना दूर है जस्ट उसका डबल वो P से दूर है। यानी कि दोनों की डिस्टेंसेस का रेशियो क्या है m का q से m का p से, वो है x:2x। अगर ये x है तो ये 2x है, तो दैट मींस रेशियो क्या हुआ, रेशियो हुआ बच्चों 2:1। तो बच्चों अब आप इस m पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा -1/3, 2। थैंक यू।